हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर्स। माय नेम इज सत्यम एंड आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि IOQ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। IOQ मीन्स इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर एग्जामिनेशन। जितने भी IOQ एग्जामिनेशन थे, आप सबको पता होगा वो जनवरी फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में शेड्यूल थे, बट ड्यू टू COVID-19 इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो फाइनली जो न्यू अपडेट ये है कि जो फाइनली जो न्यू डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो जो पहला पेपर है वो 26 फेब को रिशेड्यूल्ड है। तो 26 फेब को दो पेपर है बेसिकली, IOQA भी है और IOQC यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन एस्ट्रोनॉमी एंड इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन केमिस्ट्री, दोनों जो हैं वो 26 फेब को रिशेड्यूल्ड है। फिर जो 5th मार्च को भी दो पेपर्स रिशेड्यूल्ड है। पहला जो होगा वो है IOQP मतलब इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन फिजिक्स, एंड जो सेकंड है वो IOQB यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन बायोलॉजी। फिर जो लास्ट जो पेपर है वो 6th मार्च को है, उस दिन भी दो पेपर है। जो पहला पेपर है वो इंडियन IOQM और जो दूसरा है वो IOQJS यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स एंड इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन बिजनेस साइंस। तो यार, जैसे कि आपको सत्यम ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड्स थे जो कि जनवरी में पोस्टपोन किए गए थे, उनके रिवाइज डेट्स गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमें बता दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली भी यही है यार कि अब आपका जे मेन्स भी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो पेंडिंग थे वो अब गवर्नमेंट लेना स्टार्ट कर रही है। तो जे मेन्स भी अब आपका ज़्यादा दूर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपके लास्ट वीक ऑफ मार्च तक ही हो जाएगा एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे चीज़ें हैं, टर्म टू भी है, NTA को ये भी देखना है कि एग्ज़ाम टर्म टू के साथ क्लैश ना करे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट आप मान सकते हो कि ये 30 मार्च ही है जेई मेन्स का, ठीक है। जेई मेन्स 30 मार्च तक तो हो जाएगा, ये आप मान के चलो। क्योंकि यार आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, NTA को बहुत सारी चीज़ मैनेज करनी है। अभी तक कोई भी NTA की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ जेई मेन्स 2022। तो अभी आप कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी एक एक्सपेक्टेड डेट अगर आप देखोगे तो 30 मार्च आप लेके चल सकते हो, विच इज़ दी मोस्ट आइडियल केस। ये बहुत ही ऐसा केस है जिसमें हम ऐसा मान रहे हैं कि NTA मतलब बहुत ही तुरंत सारा डिसीजन लेंगे, तब ये 30 मार्च एग्जैक्ट डेट निकल के आ रही है। तो यार मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज दिस इज़ द वेरी क्रूशियल टाइम वी आर हैविंग। सो अभी आपका भी एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड इफ यू गाइस गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो। थैंक यू सो मच।